रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में, सिविक्स का लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। पूरी बुक में राइट्स इतना सब कुछ पढ़ते आए, आखिरकार राइट्स होते क्या है वो इस चैप्टर में बताया गया है। देखो राइट्स की जरूरत क्यों है वो कब पता चलेगी, जब हमें ये देखने को मिले कि जहां राइट्स नहीं होते वहां क्या होता है। तो आपको ग्वांटानामो बे वाली प्रिजन, सऊदी अरेबिया का कुछ एग्जांपल्स और साथ ही साथ कोसोवो में जो एथनिक मसेकर हुआ, इन तीन एग्जांपल से वो चीज समझाई गई इस चैप्टर में। उसके बाद में अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं जो हमें मिले हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, रिलीजियस राइट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो सारे राइट्स समझाए गए। और लास्ट टॉपिक, हाउ राइट्स कैन बी एक्सपेंडेड, ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर सिंपल एक कहानी के साथ शुरू होता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ राइट्स चीजें कैसे हो सकती है। ग्वांटानामो बे यूएस का एक प्रिजन एरिया है, वहां पे क्या होता है कि एक बार अचानक से वर्ल्ड की अलग अलग जगह से 600 लोगों को उठाया जाता है और अरेस्ट करके उस प्रिजन में ग्वांटानामो बे की जेल में ले जाके रख दिया जाता है। उनमें से एक अनस के पिताजी भी थे, अनस एक लेटर भी लिखता है वहां के प्रेसिडेंट को। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये प्रिजनर्स कौन थे, तो यूएस ने आर्गुमेंट दिया कि जो 11 सितंबर 2001 में यूएस पे हमला हुआ, तो यूएस को सस्पेक्शन है क्या कि ये लोग उस हमले में इन्वॉल्व थे। अब इन लोगों को अरेस्ट किया गया, इनकी सरकारों को नहीं बताया गया, यूएस में उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, उन्हें बस पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अगर वो गिल्टी थे या नहीं थे मैटर नहीं करता, उनको जेल में रखा गया। मुझे अपने घर जाना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वे जब कंडक्ट किया तो पता चला कि ये प्रिजनर्स के बेसिक राइट्स तक डिप्राइव हो रहे थे, ये लोग हंगर स्ट्राइक भी कर रहे थे, लेकिन यूएस किसी की नहीं सुन रहा था। यूनाइटेड नेशंस ने भी यूएस को डायरेक्ट किया कि इस प्रिजन को बंद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें इग्नोर कर दी गई है। अब आप बोल सकते हो सर ये केस अलग है, क्यों? क्योंकि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के लोगों को अरेस्ट किया था, तब तो राइट्स की कोई बात नहीं आ रही है, वैसे राइट्स होते हैं, लेकिन आप बोल सकते हो ये केस अलग है। तो अब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, जहां एक कंट्री के अंदर उसी के सिटीजन को कोई राइट्स नहीं है। सरकार कैसे चुनी जाएगी? राजा तय करेगा। जज को अपॉइंट करना है? राजा तय करेगा। वो उनको हटा भी सकता है? राजा तय करेगा। कोई वोटिंग राइट नहीं, कोई रिलीजियस राइट नहीं है। दूसरे धर्म के लोग जो हैं, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, उसके अलावा जो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो वो अपना धर्म पब्लिक में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। विमेन के कोई राइट्स नहीं है। मेन के बात को डबल वैल्यू दिया जाएगा व्हेन कंपेयर्ड विद द विमेन। जलवा है हमारा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अपने ही सिटीजंस के राइट्स नहीं रहते, तो ऐसी स्थिति बनती है। तीसरा एग्जांपल है एथनिक मैसेकर इन कोसोवो का। कोसोवो क्या है? तो जो पहले युगोस्लाविया था वहां का एक प्रोविंस था। इस प्रोविंस में अल्बेनियंस एथनिक ग्रुप के लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन पूरी कंट्री में सर्ब जो थे वो मेजोरिटी में थे। अब होता क्या है ना कि एक फेनेटिक सर्ब लीडर था मिलोशेविक। मिलोशेविक जब पावर में आता है ना, तो वो ये चाहता था कि सर्ब डोमिनेट करे, अल्बेनियंस को वहां से हटा दिया जाए, और यहीं पे नरसंहार यानी लार्ज स्केल पे लोगों को मारा जाना, वो मसाकर आपको देखने को मिलता है। कहां पे वो मसाकर आपको देखने को मिलता है? कोसोवो प्रोविंस में। अब यहां तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, लेकिन उसने अपने लोगों को क्या कर दिया? प्रताड़ित कर दिया। खैर बाद में वो सारी चीजें कंट्रोल की गई, मिलोशेविक को पनिश भी किया गया, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स थे कि राइट्स की एब्सेंस में क्या स्थिति बन सकती है। इन तीनों केस में हमें एक चीज समझ में आई कि अगर यहां राइट्स होते तो ये स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। राइट्स क्या है तो बहुत अच्छे से समझना, राइट्स आर दी रीजनेबल क्लेम्स, मतलब आप ऐसी चीजें क्लेम करो जो आप सबको दे भी सको, तो वो रीजनेबल क्लेम्स है। अगर मान लो जैसे सर्ब्स डोमिनेट करना चाहते थे वैसे अल्बेनियंस डोमिनेट करते, तो केस ये है कि कुछ ऐसा मांगो जो सबके लिए हो, सबके लिए, उसके साथ साथ सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे, तो रीजनेबल क्लेम्स एक्सेप्टेड बाय दी सोसाइटी। फॉर एग्जांपल आज से 200 साल पहले अगर कोई बोले कि विमेन को वोटिंग राइट दो तो बड़ा अजीब साउंड करता, लेकिन अब आज आप किसी विमेन को राइट नहीं दोगे जैसे सऊदी अरेबिया में, तो समझ में आता कि यार ये तो गलत है। तो सोसाइटी शुड एक्सेप्ट कि हाँ ये क्लेम सही है, रीजनेबल क्लेम्स, एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय दी सोसाइटी। और तीसरी चीज होती है कि इट शुड बी सैंक्शन बाय लॉ। सिर्फ बोल देने से वो राइट्स राइट्स नहीं बन जाएंगे ना, आपके क्लेम्स कितने ही रीजनेबल हो, सोसाइटी चाह भी रही हो, लेकिन जब तक उसको लीगल बैकिंग नहीं मिलती है, अगर ये बोला नहीं जाता कि अगर ये नहीं होगा तो सजा मिलेगी, तब क्या होता है उसे लीगल बैकिंग मिलने से इट शुड बी सैंक्शन बाय लॉ, तब वो राइट्स बनते हैं। तो दीज आर दी राइट्स, एंड व्हाई डू वी नीड राइट्स? तो सिंपल सी चीज है, राइट्स डेमोक्रेसी का बेसिस बनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखेंगे आपको राइट टू वोट होगा, जब आपको राइट टू चूज होगा तभी तो आप डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर पाएंगे। राइट्स की मदद से आप
माइनॉरिटीज को मेजोरिटी से बचा सकते हैं क्योंकि मेजोरिटीज डोमिनेट कर सकते हैं माइनॉरिटी के ऊपर। और तीसरी चीज, इन राइट्स को एनफोर्स गवर्नमेंट ही करवाएगी। लेकिन अगर मान लो, जैसे हमने देखा कि मिलोशेविक तो गवर्नमेंट का आदमी था, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही आपके राइट्स खा जाए तो गवर्नमेंट से आपको परेशान कर जाए, तो इसीलिए राइट्स को गवर्नमेंट से भी ऊपर रखना होता है, गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स की जरूरत होती है, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, तो कुछ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत फंडामेंटल होते हैं, इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, इन्हें ही फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉडली 6 ऐसी कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट्स की। पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि सभी लोग समान है। हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वालिटी का मतलब ये कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सारी पब्लिक प्लेसेस सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और यही चीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी अप्लाई होती है कि जब जॉब की बारी आती है तो आप किसी को उसके धर्म, जाति या फिर रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगी राइट टू इक्वालिटी के तहत। अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होता है ना, इक्वालिटी का मतलब एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी नहीं कि सबको समान। कभी कभी आप क्या देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन के लिए रिजर्वेशन होता है, तो उसके पीछे का कारण है कि यहां पे क्या है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा पुश है जिसे हम रिजर्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। सिमिलरली सोशल लाइफ में भी इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन था अनटचेबिलिटी के फॉर्म में, पहले उसको बैन किया गया, और अगर आप अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस करता है तो उसे पनिश किया जाता है। दूसरा फंडामेंटल राइट की जो कैटेगरी है वो राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंस, के आपके ऊपर कोई बंदिशें ना हो। आपको पूरी आजादी होना चाहिए कि आप जैसा जीवन चाह रहे हैं जीना वैसा जी सको। लेकिन इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखें कि आप दूसरों की आजादी का हनन ना करें, आप दूसरों की फ्रीडम को वायलेट ना करें। राइट टू फ्रीडम है लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे आप कैसे अपने आप को ग्रो कर पाओगे। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी है, बस ये ध्यान रखना होगा कि आप दूसरों को हार्म ना करो उससे। मैं घूमूं, फिरूं, नाचूं, गाऊं, हंसूं, खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं। दूसरी चीज जो आपको राइट टू फ्रीडम के अंदर देखने को मिलती है कि फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू शो योर डिससैटिस्फेक्शन। आप धरना लगा सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, सब कुछ पीसफुल तरीके से, वायलेंस इंस्टिगेट ना करते हुए। नहीं तो उसके ऊपर सरकार आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आप और देखिए तो फ्रीडम के अंदर आपको यह आजादी कि आप पूरी कंट्री में कहीं भी ट्रैवल कर सको, ऑक्यूपेशन के पर्पस से, घूमने के पर्पस से। क्यों? क्योंकि यू आर अ फ्री बीइंग। राइट टू फ्रीडम के अंदर यह भी आता है कि यू आर फ्री टू लिव योर लाइफ। आपकी लाइफ आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप आजाद है उसे जीने के लिए विदाउट एनी रीजन या फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आपकी अधिकार, ये आजादी आपसे कोई नहीं छीन सकता। तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इक्वालिटी और फ्रीडम दे दी है तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्लियरली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि तीन चीजों को इलीगल डिक्लेयर किया है जिससे लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है। पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप मनुष्य का खरीद फिरोत नहीं कर सकते हो किसी भी पर्पस से। दूसरी चीज की बेगार सिस्टम जो होता है कि कम पैसे पे या बिना पैसे पे किसी को बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर किसी से करवा रहे हो, वो भी बैन है। और तीसरी चीज कि आप चाइल्ड लेबर को भी बैन करते हो, ये भी आपका राइट है कि अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार के काम में एंगेज किया जा रहा है जिससे उसका बचपन छिन रहा है तो वो भी बैन किया जाता है। चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम इसे इंक्लूड करता है लेकिन फिर भी एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि इंडिया में हर व्यक्ति फ्री है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए। और इंडियन स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है जो किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगा, सभी रिलीजन को समान धर्म, समान नजरों से देखेगा। अब आपको एक चीज समझना होगी कि आप धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आप किसी को जबरदस्ती अपना धर्म थोप नहीं सकते। इच्छा से आदमी धर्म माने या ना माने ये उसकी इच्छा। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता, अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो, रॉन्ग नंबर है। और सेक्युलर स्टेट है तो वो लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने पे भी फोकस करता है। पांचवा जो आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलता है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब देखो पूरी कंट्री में मल्टीपल कल्चर है और यहाँ पे माइनॉरिटीज जो है उनका कल्चर बड़ा वल्नरेबल है क्योंकि मेजोरिटी अपना कल्चर इम्पोज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के कल्चर को बचाने के लिए उन्हें कुछ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स होते हैं। जैसे अगर किसी भी ग्रुप की एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, तो उसको पूरे राइट्स उन्हें प्रिजर्व करने का।
कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है तो धर्म के हिसाब से किसी को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता है। हर एक माइनॉरिटी ग्रुप को अपने अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने की पूरी पूरी आजादी है। यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी है, ये रीजन टू रीजन वैरी भी कर सकती है और हर माइनॉरिटी को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के अधिकार है। लास्ट फंडामेंटल राइट्स है राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी राइट्स हमने पढ़े वो किसी काम के नहीं रहेंगे अगर उनके वायलेशन पे आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपके कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो वायलेशन के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर आप देखेंगे कोई भी एक्शन लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और वो आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट जो है रिट्स इशू करेंगे जिससे आपके राइट्स रिस्टोर हो जाए। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की जा सकती है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल। लास्ट टॉपिक आता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। तो राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स तो ही, लेकिन आप देखते हैं तो बाय लॉ लीगल राइट्स का एक्सपेंशन होता रहता है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स में ही आप जैसे देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एड करते जाते हैं टाइम टू टाइम और इन राइट्स के स्कोप को एक्सपेंड किया जाता है। उसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जैसे राइट टू वोट आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिमिलरली इन राइट्स की स्कोप हमेशा एक्सपेंड होती है, जैसे ह्यूमन राइट्स के नाम पे कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ते हैं। तो कुल मिला के राइट्स का स्कोप इज एवर एक्सपेंडिंग और हर बार नए राइट्स इवॉल्व होते रहते हैं। दिस वॉज द होल चैप्टर। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।